जमीन बंटवारे को लेकर पीड़ित परिवार को धारदार हथियार से बुरी तरह मारा पीटा, जिससे पीड़ित बुरी तरह घायल। बड़ी खबर यूपी के शाहजहांपुर से आ रही है। मामला है थाना कोवाया क्षेत्र के ग्राम आवा दुगैया का, जहां पीड़ित ओम प्रकाश उत्तर भगवंत ने बताया आरोपी गंगाराम पुत्र भगवंत श्याम किशोर व विशाल व छोटू पुत्र श्याम किशोर निवासी पुरेना, जो कि दूसरे गांव से, गंगाराम ने बाहरी लोगों को बुलाकर एक राय होकर छोटू के हाथ में बाका था। अन्य लोगों के पास लाठी डंडे थे। अभद्र भाषा का प्रयोग व जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट शुरू कर दी, जिससे पीड़ित ओम प्रकाश व पुत्र बेटा धीरेन्द्र कुमार पत्नी शीला को धारदार हथियार से मारा। आपको बता दें, मारा पीटा गया, जिससे पीड़ित परिवार बुरी तरह से घायल हुए, जिसकी सूचना थाना पुवायाम को दी। थाना प्रभारी ने संज्ञान में लेते हुए अपने तरीके से मेडिकल कराकर कार्यवाही की। वहीं पीड़ित का आरोप है कि मेरे द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मुकदमा न दर्ज कर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। आरोपी गांव में बेखौफ घूम रहे। पीड़ित ने उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा आरोपियों पर तत्काल कार्यवाही की जाए, वरना आरोपी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। किस बात को लेके जमीन के बंटवारे के लोग के बात हुई। हमने कहा कि ऐसा है, हर खेत में अपना आधा आधा बांट लो, अब अपना तुम करो, हम अपना करें। तब इस बात पर वो तैयार नहीं हुए, उसमें जो मारने को तैयार हो गए। हमने कहा नहीं, बांट लो। फिर उसके बाद हमारे साथ में गंगाराम, हमारे भाई जो गंगाराम है, उन्होंने मारपीट की। फिर उन्होंने फोन से बुलवा लिया अपने पुरेना से, अपने समझी श्यामकिशोर को और उनके लड़के विशाल और छोटू को बुलवा लिया। इन्होंने सबने लाठी और बांका से मारा है आपको। हाँ, हमारे मारा, और हमें जब बचाने के लिए लड़का आया तो लड़का को भी मारा है बांके से। क्या नाम आपका? धीरेन्द्र। आपके जो घायल हुए हैं, किस चीज़ से चोट लगी? जी, हमारे इन्होंने बांका और भीड़ में पता ही नहीं चला, बांका चले गए हाथ में, बांका भी था और लाठी डंडे भी थे। इन्होंने झाड़ झाड़ एकदम चलाने लगे। तो जिसकी सूचना आपने थाना पुवाय में, थाना पुवाय में हमने दी, जो तहरीर हमने दी है वो तहरीर हमारी रख ली गई। फिर और अगल से उन्होंने तहरीर अपनी बनाई है, उस पर NCR की है, अपनी मर्जी से NCR। तो आपकी कार्रवाई हो गई पाए थाने नहीं से? हमारी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी कहाँ है इस समय? आरोपी कहाँ है? आरोपी इन समय अपने घूम रहे हैं, घर पे हैं। अच्छा, घर पे हैं और घूम रहे हैं। तो वो धमकी भी दे रहे हैं कि अब की बच गए साले, अब की बार में नहीं बचेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और जो उचित हो वो कार्रवाई हो। लगी है कुछ? अच्छा, आपको भी मारा?